हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू रिकॉग्निशन IAS। प्रीलिम्स ओवर हो चुका है, प्रीलिम्स को ओवर हुए नियरली 2 वीक्स हो चुके हैं और अब समय आ गया है कि हमें मेंस की एक सीरियस वे में प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। प्रॉबेबली प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आ जाना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका कैसा हो रहा है, ये समय ऐसा होता है जहाँ पर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है। इस मेंस की प्रिपरेशन में आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक देखना होता है आपका जो GS है और दूसरा आपको देखना होता है आपका जो ऑप्शनल है। GS में यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स आपको देखने होंगे जो कि मेंस ओरिएंटेड है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो ये जो टॉपिक्स आते हैं वो आपके मेंस ओरिएंटेड हो जाते हैं। प्रीलिम्स में आपने जो भी पढ़ा उसकी आपको आंसर राइटिंग करनी है, इसके साथ ही जो भी नए कोर्सेज हैं, नए सिलेबस हैं, उनको भी पढ़ना भी है और साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी करनी है। इसके अलावा एक आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और वो होता है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल एक बड़े वाइड कह सकते हैं कि फॉर्मेट में रहता है, जिसे आपको कवर भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है और रिवीजन भी करना है। इन सब के साथ ही करंट अफेयर भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो एनालिसिस ओरिएंटेड होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर करंट की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आइडिया है आपको, देन यू वुड बी एबल टू अगेन राइट ऑल दोज थिंग्स इन योर आंसर, ईजिली आप उसे कर सकेंगे। तो अब चलते हैं ज़रा कोर्स डिटेल्स के बारे में। देर आर डिफरेंट कोर्सेज और ये GS एज वेल एज ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ये सारे कोर्सेज हैं। तो डिटेल में बात करेंगे क्या चीज़ें हैं कोर्स के रिलेटेड। इसके साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको आपकी क्या प्रिपरेशन की स्टेज है और किस स्टेज पर आपको कौन सा कोर्स बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ तमाम चीज़ें होंगी, तमाम लोग होंगे जो अपने अटेम्प्ट्स ले रहे होंगे, कुछ लोग सिलेक्टेड भी होंगे, कुछ लोग अपनी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो देयर आर डिफरेंट कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज़ में देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स। एक, आपका सेक्शन ही नहीं तैयार हुआ होगा। सेक्शन का मतलब, अगर आप पूरे ज्योग्राफी को देखेंगे तो देयर आर 20 टॉपिक्स हैं ईच पेपर वन और पेपर टू को मिला करके। अगर आपने पेपर वन और पेपर टू को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आपको सेक्शनल की जगह पर कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहिए। तो यू शुड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट में आपको हर एक टॉपिक के सेपरेट एक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पर आप एक तो अच्छा रिवीजन भी कर लेते हैं और प्लस साथ ही साथ में इसकी एक इवैल्यूएशन भी हो जाती है, और इस इवैल्यूएशन के साथ ही आपको एक टॉपिक वाइज एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक दैट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको एक फुल फ्लेजेड क्या होना चाहिए, उस फुल फ्लेजेड टेस्ट के बारे में आइडिया हो जाता है। एक प्रिपरेशन में कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कंटेंट मैनेजमेंट करना कैसे है और डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे रिलेट करना है, ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट से यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर अगेन सेक्शनल टेस्ट के लिए देर आर 20 टॉपिक्स एंड दीज आर द थिंग्स। जो फी फॉर दिस सेक्शनल टेस्ट इज़ 499 विदाउट मटेरियल एंड दिस इज़ 1500 विद मटेरियल। ये मिसप्रिंट हो गई है। एंड सिमिलरली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, देर आर 5 टेस्ट ईच फॉर पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन एंड पेपर टू मतलब टोटल मिला करके देर विल बी 10 टेस्ट एंड दिस इज़ अगेन 1500, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप वेबसाइट के थ्रू recognitionis@gmail.com यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है। सेकंड थिंग, कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने अटेम्प्ट लिए होंगे या फिर ज्योग्राफी अपने बेसिक लेक्चर्स देख रखे होंगे, पढ़ रखे होंगे, नोट भी बना रखे होंगे, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर आप कंटेंट लैक कर रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट लैक कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कंटेंट ज़्यादा पढ़नी चाहिए, मतलब कि आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़े और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ने चाहिए और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आपको कंटेंट में इनरिचमेंट करना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ इनरिचमेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। इस इनरिचमेंट में आप मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं और कुछ और भी, अगर कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें आती हैं तो उसे भी आपको कर लेना चाहिए। तो ये एक पूरा का पूरा पैकेज के रूप में एडवांस ज्योग्राफी कोर्स में आती है, एडवांस ज्योग्राफी कोर्स। इस एडवांस ज्योग्राफी कोर्स के लिए वही लोग केवल अप्लाई करें जिन लोगों ने अपनी बेसिक कवर कर रखी है, प्लस साथ ही साथ में एक आइडिया है, हॉलिस्टिक आइडिया आई वुड से, कि पूरी ज्योग्राफी का एक हॉलिस्टिक आइडिया हो।
यहां पर केवल और केवल आप एक लेवल बूस्टिंग प्रोग्राम के तौर पर आ सकते हैं। लेवल बूस्टिंग का मतलब कि यू हैव कवर्ड द थिंग्स, आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं, बस आपको एनरिचमेंट करनी है, कंटेंट और थोड़े से ज़्यादा गैदर करना है। यू कैन अगेन अप्लाई फॉर दिस, ये चीज़ आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, देयर आर टू मोड्स अगेन, वन इज़ विद मटेरियल, स्टडी मटेरियल दैट इज़ 3000, इसके अलावा 999 की प्लान है जो कि ऑलरेडी चल रही है, एंड दिस इज़ विदाउट मटेरियल, मतलब यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में चीज़ें रहेंगी एंड ऑल दिस थिंग। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है, तो आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं, बट हाँ, दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। नेक्स्ट इज आवर कोर्स, मंथन कोर्स, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो 2021 में मेंस देने जा रहे हैं। खैर, जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, जो नहीं भी देने जा रहे हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पर लाइव डिस्कशन क्लासेस हैं, लाइव डिस्कशन, एंड ये जो लाइव डिस्कशंस होंगे 75 डेज में आपकी पूरी की पूरी ऑप्शनल कंप्लीट करा दी जाएगी। यहाँ पर बेसिक का रिवीजन होगा, प्लस साथ ही साथ में कुछ एडवांस टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, करंट अफेयर्स की डिस्कशन होगी, दिस इज़ करंट अफेयर्स की डिस्कशन होगी, और प्लस साथ में टेस्ट सीरीज़ भी होगी, और ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो करंट बेस्ड होगी, दिस इज़ करंट बेस्ड टेस्ट सीरीज़, जिसके बेसिस पर आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हमें टेस्ट देना है। तो ये चीज़ एक लेवल बूस्टिंग भी कह सकते हैं, और एक ये कह सकते हैं कि एक प्लान्ड वे में, शेड्यूल्ड वे में कैसे आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, दैट विल बी कवर्ड इन दिस मंथन सीरीज़। ये न्यूली लॉन्च टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ का मतलब कि न्यूली लॉन्च एक कोर्स है, और इसकी फ़ी 3999 है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द आंसर्स ऑफ टेस्ट, तो क्वेश्चन के भी आंसर यहाँ पर रहेंगे, फीडबैक तो रहती ही रहती है, प्लस साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक गाइडेंस भी मिलेगा, और ये गाइडेंस ऑब्वियसली आपको रहेगा टॉपिक वाइज। टॉपिक कुछ टॉपिक्स में आपके हो सकता है कि अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो, तो उसमें स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा कि आखिर में आपको कैसे उस टॉपिक को टैकल करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए। ठीक है, सो यू कैन अगेन रेफर टू recognitionis@gmail.com फॉर योर फर्दर क्वेरीज, और यू कैन डायरेक्टली इनरोल टू recognitionis.in। इसके अलावा जो पुराने कोर्सेज हैं, जिसमें एक है आपकी जो YouTube पर चलती है रिवीजन ज्योग्राफी ऑप्शनल सीरीज, और यहाँ पर दिस इज़ नॉट 299, दिस इज़ 199 की मंथली प्रोग्राम के बेसिस पर आप यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उस पास्ट ईयर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो दिस इज़ बेसिकली डिस्कशन ऑफ आंसर राइटिंग, और प्लस साथ ही साथ में कुछ कंसेप्ट को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये एक रिवीजन सीरीज़ थी जो कि चल रही थी, एंड प्रोबेबली आगे भी हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं, इसके न्यूली वर्जन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगेन दिस विल बी इंक्लूडेड इन दिस 199 वाली मेंबरशिप में। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि देयर आर 168 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और ज्योग्राफी ऑप्शनल नाम से प्लेलिस्ट है, और इसकी स्टडी मटेरियल के लिए कहते हैं। तो देखिए, स्टडी मटेरियल की ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि या तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर इस स्टडी मटेरियल को आप परचेज कर सकते हैं इन अ स्मॉल फी ऑफ 2500। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती हैं, और यहाँ पर जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो सारे मटेरियल को दे दिया जाता है। इनरोल करने के लिए अगेन आप recognitionis.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के लिए एक रिवीजन सीरीज़ हम लोग प्रॉबली स्टार्ट करने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ अगेन दिस इज़ 1500 विद मटेरियल। यहाँ पर भी अगेन आपके टॉपिक्स रिलेटेड नियर अबाउट 10 टेस्ट हैं, और ये मंथली मेंबरशिप यूट्यूब पर ही लाइव कोर्स रहेगी। इस लाइव कोर्स में हम लोग जीएस में जितनी भी चीज़ें होंगी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। यहाँ पर जीएस पेपर 1 का मतलब हो गया जहाँ पर आपकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी होती है, जीएस पेपर 2 मतलब कि जो आपकी पॉलिटी होती है और आपका आईआर होता है, जीएस पेपर 3 जहाँ पर आपकी इकोनॉमी होती है, इन्वायरमेंट होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है एंड इंटरनल सिक्योरिटी होती है, और लास्ट पेपर GS4 दैट इज़ एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बेसिकली होता है। तो इन सबके जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ में अलॉन्ग विथ सम कॉन्सेप्ट, ये हम लोग रिवीजन करेंगे। जिस तरीके से ज्योग्राफी का रिवीजन किया गया, सेम वैसे ही GS का भी रिवीजन रहेगा
क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के लिए भी आप जो है यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। तो आपको प्रोबेबली एक कोर्स का आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब आपको ये बताया जा चुका है कि किस लेवल पर आपको किस कोर्स को इनरोल करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए ये केवल आप कर सकते हैं, आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए आप किस स्टेज पे हैं। नियर अबाउट 2 वीक्स हो चुके हैं तो आपने अब अपना एक स्टेज देख लिया होगा किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है। कुछ लोग होंगे जो जीएस प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ऑप्शनल उनका कवर नहीं हो पा रहा होगा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होगा, उनके लिए आई वुड से मंथन सीरीज इज़ बेस्ट, मंथन सीरीज़ के थ्रू आप जा सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो टाइम मैनेजमेंट तो कर पा रहे होंगे बट आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज़ बेस्ट होती है। टेस्ट सीरीज़ के बेसिस पर आप एक शेड्यूल्ड फॉर्मेट में चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो ऑप्शनल कर रहे होंगे बट जीएस नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए अगेन दिस इज़ यूट्यूब मेंबरशिप वाली जो जीएस की सीरीज़ है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो हर लेवल पर अपनी अपनी एक कोर्सेज बनाई गई है और कोर्सेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कम से कम टाइम में मिले, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को इस ईमेल एड्रेस पर पूछ सकते हैं, ईमेल करके जो भी आपका डाउट रहे। और इसके अलावा जो शेड्यूल है, शेड्यूल मंथन सीरीज़ के लिए प्लस जितनी भी चीज़ें हैं टेस्ट सीरीज़ एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी जो भी शेड्यूल हैं, इस सारे शेड्यूल को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन जो नीचे डिस्कशन बॉक्स है, इन द सेंस कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू जो भी शेड्यूल वगैरह हैं वह सब वहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को ईमेल करिएगा, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।